हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शौचालय का आप जियो टैगिंग कैसे कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सी वो एप्लीकेशन है, आखिर वो कौन सा ऐप है जिससे लोग जियो टैगिंग कर रहे हैं, यानी गांव में जो लोगों का शौचालय वाले पैसा जो मिल रहा है 12-12 हज़ार रुपया। जी हाँ दोस्तों, बिना जियो टैगिंग के नहीं मिलता है। तो आप आज के इस वीडियो में जानेंगे आपका जियो टैगिंग में नाम है या नहीं है, नहीं है तो नाम जोड़ने का भी मैं बताऊंगा कौन सी एप्लीकेशन है जिससे आप जोड़ पाएंगे, और जियो टैगिंग कैसे कर पाएंगे, और जियो टैगिंग करने के लिए आपको कौन सा ऐप है और आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जियो टैगिंग करने के लिए हम ये वीडियो पूरा फुल बता रहे हैं, और आप ना इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, भगाइएगा मत लास्ट तक। इस वीडियो के माध्यम से आप आज जान जाइएगा कि जियो टैगिंग कैसे किया जाता है, कैसे करें। और आखिर कुछ लोगों का आपको बता दूं कि कुछ लोगों का कहना है, कमेंट आया था कि मेरा नाम है लेकिन हमारे गांव में नहीं है। जैसे मान लो कि आपका जो नाम है आपका जो गांव है उस गांव में आपका नाम नहीं सो रहा है, पंचायत है, एक पंचायत में मानो कि चार गांव होता है, तो आपको एक पंचायत सेम है लेकिन आपके इस गांव के अलावा दूसरे गांव में चला जा गया है। तो दोस्तों वो जियो टैगिंग कैसे होगा, अगर वो जियो टैगिंग होगा तो वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों कंफर्मेशन के लिए हम आपको बता दूं कि आपका पंचायत के अंडर में अगर कहीं भी नाम हो, कोई भी गांव में आपके पंचायत के अंदर, चार गांव है आपके पंचायत के अंदर, तो चारों में से कोई भी आपका नाम है तो जियो टैगिंग हो जाता था, पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो टैगिंग आप कैसे कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को दबा के, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऊपर एल पे प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको शौचालय के पैसा नहीं मिला है और जियो टैगिंग में नहीं नाम है, यानी लोहिया स्वास्थ्य अभियान में आप का नाम नहीं है, तो आप अपना नाम कैसे जोड़ पाएंगे। तो जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि ये ऐप है, ये ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा गूगल से। गूगल पे आपको लिखना होगा LSBALOB, सर्च करते ही इस तरह का ऐप आ जाएगा जो हम आपको बता रहा हूँ। चलिए पहले हम आपको गूगल पे ही ले चलते हैं। गूगल पे आपको इतना लिखना है LSBALOB, उसके उतना सर्च करते ही नीचे आ जाएगा इस तरह का LSBALOB, उस पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह के ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होगा, डाउनलोड ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो यहाँ लिखा आया पंजीकरण करें। अगर आपको शौचालय के कोई लाभ नहीं मिला है या नाम नहीं है शौचालय वाले लिस्ट में, तो आप यहाँ से रजिस्टर अपना नाम खुद से कर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों यहाँ आप अपना नाम डाल दीजिएगा, जो नाम से आप अपना शौचालय का अनुदान लेना चाहते हैं वो नाम डाल दीजिए। यहाँ पिता या पति का नाम डाल दीजिए, यहाँ उम्र डाल दीजिएगा, यहाँ जेंडर या लिंग डाल दीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है, और यहाँ आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ शौचालय निर्माण की स्थिति, तो दोस्तों यहाँ शौचालय की स्थिति में निर्माण की स्थिति यानी कब आपका शौचालय बना, तो 2018 डाल दीजिएगा, सॉरी 2018 दिसंबर डाल दीजिएगा, नहीं तो 19 में कभी भी डाल सकते हैं। दोस्तों नीचे है जिला, आपको मतलब सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जिला से है, उसके नीचे प्रखंड आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके नीचे ग्रामीण क्षेत्र आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके नीचे आ जाएगा आपका पंचायत, पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, उसके नीचे फिर आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। गाँव सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाता है आपका मोहल्ला, यानी गाँव में आपका कौन सा मोहल्ला है, यानी कौन सा टोला होता है, कभी ईस्ट कभी वेस्ट कभी नॉर्थ कभी साउथ इस तरह का आता है, तो आपको टोला जिस तरह का टोला या मोहल्ला बोला जाता है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको पूरा पता डाल देना है। पूरा पता डालने के नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कैमरा का आइकन है, तो आपको करना क्या है, कैमरा पे क्लिक जैसे कीजिएगा वैसे आपको, सबसे पहले हम बता देते हैं, यहाँ आपको लिखा आ रहा है शौचालय निर्माण स्थल के साथ अपना फ़ोटो खींचे, यानी आपका जो शौचालय है वहाँ आपको खड़ा हो जाना है शौचालय के पास गेट के पास, और कैमरा पर क्लिक करना है। यहाँ कैमरा पे क्लिक करने के बाद आपको जिस तरह से शौचालय के साथ आप शौचालय रूम के साथ आपका फ़ोटो आना चाहिए उस तरह से खींचने, यहाँ टेक फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ फ़ोटो जो रहेगा कैप्चर आ जाएगा, और यहाँ से पूरा डाटा फिलअप करने के बाद यहाँ पंजीकरण पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से पंजीकरण हो जाता है, और यह पंजीकरण आपका आवेदन वहाँ से पूरा सक्सेसफुल हो जाता है। अगर उस आवेदन का आप स्थिति जानना चाहेंगे कि कहाँ तक हमारा आवेदन प्रोसेस में गया,
तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। आवेदन की स्थिति यहाँ से आपको देखने के लिए आपको यहाँ आधार नंबर डाल के, जो आधार नंबर से आप रजिस्टर किए होइएगा वो आधार नंबर डाल के यहाँ से सर्च कर लेना है। तो दोस्तों ये आपको शौचालय यानी कि शौचालय के जो अनुदानित अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है, वो लाभ लेने के लिए आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन है। अब चलते हैं हम आपको जियो टैगिंग करने के लिए कि आप कैसे अपना खुद के जियो टैगिंग खुद से कैसे कर पाइए। तो चलिए अगला स्क्रीन पे, पहले हम आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे हूँ और यहाँ हम आपको बताएंगे कि यहाँ जियो टैगिंग के बारे में बहुत ऐसा एप्लीकेशन है, लेकिन वो एप्लीकेशन आपको यहाँ प्ले स्टोर पे फाइनली नहीं मिलेगा, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको गूगल पे मिलेगा। लेकिन हम आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे सर्च करके दिखा देते हैं आखिर वो ऐप है या नहीं है। तो दोस्तों वो एप्लीकेशन का नाम है MSBM LOB। तो चलिए हम यहाँ सर्च कर लेते हैं MSBM SPACE LOB। यहाँ सर्च करने के बाद यहाँ बहुत ऐसा ऐप आ जाएगा, बहुत ऐसा ऐप आएगा जो रियल, लेकिन जो रियल ऐप है वो यहाँ नहीं आ रहा है। जो रियल है जियो टैगिंग करने वक्त के लिए जो एप्लीकेशन वो यहाँ नहीं है, तो और यहाँ मिलेगा भी नहीं। तो चलिए हम आपको वहाँ गूगल पे ले चलते जहाँ ये एप्लीकेशन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल पे, मोबाइल के गूगल पे आपको क्लिक करना है MSBM SPACE। तो चलिए हम यहाँ सर्च कर लेते हैं MSBM SPACE LOB। LOB यहाँ इतना आपको सर्च करना है। और चलिए हम यहाँ से नीचे सर्च पे, तो सर्च पे हम क्लिक कर देते हैं। तो सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। नीचे में भी वो बहुत ऐसा वेबसाइट है, लेकिन आपको सबसे ऊपर जो है ये जो लिंक है इस पर भी क्लिक करना है, MSBM स्वच्छ भारत मिशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस नया खुलता है और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सबसे ऊपर फाइनली रेडार पे यहाँ डाउनलोड MSBM App for LOB। तो आपको करना क्या है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि खुद से हम जियो ट्रैकिंग करें, तो ये एप्लीकेशन को आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम इस पर यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ आ जाता है मैसेज, दिस टाइप ऑफ फाइल एंड वे हर, मतलब इस डिवाइस के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इनका टर्म कंडीशन। तो आपको करना क्या है, ओके पे क्लिक कर देना है। MSBM यहाँ कुछ ऐप का या जो है ऐप के जानकारी के लिए दिया गया है कि इंटरफेस क्या है ऐप का, तो आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको बता दे रहा हूँ कि डाउनलोड आपको होने लगेगा। आप ऊपर से, आपको क्रोम के माध्यम से डाउनलोड होगा। ओके पे क्लिक करके आप ऊपर से थोड़ा स्लाइड कीजिएगा ऐसे, तो आप यहाँ देखिएगा कि आपका जो ऐप है वो डाउनलोडिंग में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो है डाउनलोडिंग में, डाउनलोड कंप्लीट बता रहा है, यानी कि यहाँ क्रोम है यहाँ से डाउनलोडिंग में लग गया है और यहाँ डाउनलोड कंप्लीट बता रहा है। तो चलिए यहाँ हम डाउनलोड कंप्लीट यहाँ लिखा रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ इंस्टॉल के ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल करने की। तो चलिए हम यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ डन और ओपन का ऑप्शन आ जाता था। आप डन कर दीजिए, यहीं से आप चाहे तो ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ डन कर देते हैं और ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जहाँ हमारा MSBM App इंस्टॉल हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं MSBM App LOB, तो इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ अलाउ अलाउ आपको दे देना है, परमिशन आपसे पूछा जाएगा, तो अलाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पूछा जा रहा है यूजर नाम और पासवर्ड, ठीक है। तो चलिए हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आपको बता रहे हैं कि कैसे जियो टैगिंग कर पाइएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, उस पर क्लिक करने, आईडी पासवर्ड डालने के बाद क्लिक कर लेना। तो हम क्लिक करके सबमिट पे आगे के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ जो है आपका आईडी और पासवर्ड डाला जाता है और ये आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको अपने विकास मित्र से। जी हाँ दोस्तों, आपके जो आपके ग्राम पंचायत का जो विकास मित्र है उनके पास ये आईडी और पासवर्ड होता है और वो चाहे तो 10 या 20-20 मोबाइल में भी लॉगिन करा के काम करवा सकते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें जियो टैगिंग करने के लिए आईडी और पासवर्ड चाहिए, तो आप अपने नज़दीकी जो आपका विकास मित्र है उनसे बात कीजिए, वो आपको आईडी और पासवर्ड देंगे जिसके मदद से आप जियो टैगिंग
कर पाइएगा आप अपने मोबाइल से खुद से। दोस्तों उम्मीद लगा।